सॉल्यूशन हमने बताया था लास्ट क्लास में हिंदी में विलयन। विलयन आपके दो चीजों से मिलकर बन रहा है, इसमें एक है विलय और एक है विलायक। हाँ जी, विलय प्लस विलायक इज इक्वल टू सॉल्यूशन, हिंदी में विलयन। हाँ जी, याद आया विलयन की स्थिति? क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। The solution are homogeneous solution substance and heat is also usually evolved or absorbed in preparation of a solution. Even then, a solution is considered a mixture because it can be separated into the its component by physical method. It shows the property of its constituent. It has a variable composition. It does not have a fixed boiling point. मतलब ये कह रहा है जो सॉल्यूशन, क्यों उसे सॉल्यूशन बोल रहे हैं, कंपाउंड क्यों नहीं बोल रहा है? सॉल्यूशन इसलिए बोल रहा है कि उसके फिजिकल इन भौतिक क्रिया द्वारा उसमें जो उपस्थित चीज़ है उन्हें अलग किया जा सकता है। वो होमोजीनियस भी हो सकता है, हेटेरोजीनियस भी हो सकता है, वो समान की भी हो सकता है, विषमान की भी हो सकता है। होमोजीनियस बहुत है जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, आपसे मिल जाते हैं, जिससे आपका नमक पानी का घोल, आपका नमक घुलने के बाद पानी में आपको दिखेगा नहीं, तो वो होमोजीनियस हो गया, समान हो गया। विषमान की में जैसे आपने चीम आपने डाल दिया पानी के अंदर रेत, नौचौक डाल दिया, नीचे बैठ गया पानी में, तो वो नॉन यूनिफॉर्म है कि वो पूरी तरह से मिलेगा नहीं। जैसे आपका दही हो गया, छाछ हो गई है ना, लस्सी हो गई, जो एक समय के बाद बैठ जाती, कोक नहीं है, कोक में सारा वो मिक्सचर रहता है सब। तो ये सारी चीज़ें, तो ये कोई ज़्यादा वो भूमिका छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। एलॉय पे आ बेटा, ये क्वेश्चन है, एलॉय दिखाई दे रहा है? ये क्वेश्चन आता पेपर में, एलॉय मिल गया। एलॉय को हिंदी में क्या कहते हैं? मिश्र धातु। मिल गया एलॉय, क्या आपका मिश्र धातु। जैसे आपका मिश्र धातु में क्या हो गया, एलॉय आर, अंडरलाइन करो, एलॉय आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेट इन टू देयर कंपोनेंट, यानी उसको हम अलग नहीं कर सकते जैसे बाय अ फिजिकल मेथड। मिल गया। इवन देन एलॉय इज अ कंसीडर्ड टू अ मिक्सचर बिकॉज इट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट कॉन्स्टिट्यूएंट, सेकंड इट हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन। मिल गया। ये वाला एग्जाम्पल एलॉय का, ब्रास इज अ, फॉर एग्जाम्पल ब्रास इज अ होमोजीनियस सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ compose of copper, zinc and cannot be separated into its constituent by physical method. Brass is considered a mixture because it has it show the property of constituent copper, zinc. It has a variable composition. The amount of zinc brass can vary from 20% to 30%. Plus, यहाँ से इसका example start हो जाता है। For example, तो पहली line में लिखना example में यहाँ सारी बातें आता है, ठीक है? तो brass जो बनके बनता है, brass को हिंदी में शायद पीतल कहते हैं। और पीतल आपकी दो चीज़ें मिलकर बना, क्या क्या है? कॉपर और जिंक से बना है। सुनो हिंदी में लिखो एलॉय। एलॉय क्या है? मिश्र धातुओं के समांगी मिश्रण है और भौतिक विधियों द्वारा उन्हें उनके अवयव में पृथक किया नहीं किया जा सकता है। फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्र माना जाता है, वे अपने अवयवों के गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है, इसका परिवर्ती संगठन होता है। उदाहरण पीतल कॉपर और जिंक से बना एक समांगी पदार्थ है जो और भौतिक विधियों द्वारा उसके अवयव प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता है। पीतल को एक मिश्रण माना जाता है क्योंकि वह अपने अवयवों कॉपर और जिंक के गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है तथा उसका परिवर्ती संगठन होता है। पीतल की में जिंक की मात्रा 20 से 35% तक परिवर्तित हो सकती है, यानी कहने का मतलब उसका फिक्स नहीं है, तो चेंज हो सकता है, आप ऊपर नीचे उसमें कर सकते हो। सुनो, इसको नहीं आ रही, हाँ हो गया। चलो ये होता है नेक्स्ट, आपका सॉल्यूशन सस्पेंशन होने जा रहा है और सॉल्यूशन तो बता दिया मैंने किसे कहते हैं, इसका नाम ट्रू सॉल्यूशन भी है यहाँ पर। अच्छा जी, तो क्या होता है सॉल्यूशन हिंदी में? विलयन। मिला। सॉल्यूशन किसे कहते हैं, यानी सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना है, आपका जो विलयन है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, विलय और विलायक, समझे? The substance which is dissolved in liquid to make solution is called solute. The liquid in which the solute dissolved is known as solvent. मैं बताया था, यानी जिस चीज़ के अंदर solute को dissolve किया जा रहा है वो solvent है, जिस चीज़ के अंदर विलय को घोला जा रहा है वो विलायक है, जो घुल रहा है वो विलय है। जैसे नमक आपका विलय, पानी आपका विलायक, यानी solute आपका है salt and water your solvent, understood? तो ये आपका हो गया और दोनों को है ना, अच्छा सॉलिड का दूसरा नाम क्या है? डिस्पर्स्ड पार्टिकल है ना। द सॉलिड पार्टिकल आर आल्सो कॉल्ड डिस्पर्स्ड पार्टिकल एंड सॉल्वेंट्स आर आल्सो कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम। तो सॉल्वेंट को हम डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं और सॉलिड को हम डिस्पर्स्ड पार्टिकल भी कहते हैं। मिला आपको? हाँ जी मिला। चलो शाबाश, ऊपर दिखाओगे। अब बात करते हैं सॉल्यूशन
सॉल्यूशन हमारा होमोजेनियस भी हो सकता है और हेटरोजेनियस भी हो सकता है. आ सॉल्यूशन इज होमोजेनियस भी है और हेटरोजेनियस है. आ सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू, जिसमें आपका क्या होता है होमोजेनियस मिक्सचर मींस दैट मिक्सचर इज जस्ट अ सेम थ्रू आउट. यानी होमोजेनियस हम पढ़ेंगे जो इतना भी हम सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं वो होमोजेनियस सॉल्यूशन है. और सॉल्यूशन यानी हमारा यहाँ पर क्या है एक मिक्सचर ही है, कहीं ना कहीं मिक्सचर की प्रॉपर्टीज है जिसमें हमारा होमोजेनियस हेटरोजेनियस है और जो सॉल्यूशन बना तो कंपाउंड हो जाता है. जैसा ना सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट है ना, जब हम ये पढ़ रहे हैं तो हमारा मतलब यहाँ पे होमोजीनियस है. होमोजीनियस का मतलब जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन है. आप कंपाउंड होमोजीनियस प्रॉपर्टी है ना, तो इसके अंदर आपका रहता है होमोजीनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण. मीन दैट मिक्सचर इज जस्ट द सेम थ्रू आउट. समांगी मिश्रण का मतलब है कि उसका मिश्रण चारों तरफ एक है. समांगी किसे कहते हैं? हाँ जी जुनैद है, जुबैद ठीक. समांगी मिश्रण बताया था क्या होता है समांगी मिश्रण? जो आपस में मिल जाता जैसे पानी मिल जाता है ना, दिखाई देता चीनी मिल गई दिखती है मिलने के बाद, हाँ तो समांगी. और इसमें डाल दो कंकड़ पत्थर है ना, दिखते हैं ना वही बिस्मांगी हाइड्रोजन. ठीक है, जैसे आपका कोक है पेप्सी ये सब सॉल्यूशन है. सुनो इसके अंदर क्या क्या मिलाते हैं पता है ना आपको? कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या मिलता है, कौन सी गैस मिलती है बताएगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है. हड्डियाँ गला देता है, बॉडी की आपकी हड्डियाँ होती है ना उसको गला देता है. कोई भी कोल्ड ड्रिंक मुझे कोल्ड ड्रिंक का नाम दिलवाओ, पता लगा मेरी वीडियो देख के मैं गोली मारने आया मुझे इसके. मैं बता रहा हूँ कि कोल्ड ड्रिंक होती है, किसी प्रोडक्ट का नाम दे सकते हैं सॉरी है ना, क्योंकि ये ऑफिशियल वीडियो होती है. ठीक है, हाँ जी आ गए. तो हम बात क्या कर रहे थे, तो स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन. क्लियर, अब हमें प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं. हाँ जी सॉल्यूशन के गुणधर्म देखो मिल गए, विलयन के गुणधर्म क्या क्या होता है विलयन. तो हम स्पेशली सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, फिर सस्पेंशन कोलोइड. सस्पेंशन कोलोइड आपके पेपर में रखा हुआ है. ठीक है, सोल भी है. अच्छा पढ़ते हैं हम आगे. अच्छा आज सॉल्यूशन है होमोजेनियस मिक्सचर. पहली बात जैसे प्रॉपर्टीज सॉलिड प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, इसी तरह प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन है बेटा. तो इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है सॉल्यूशन के बच्चे, विलयन के गुणधर्म मिला आपको. तो पहला क्या है इसका, ये समांगी होता है यानी इसमें जो मिल जाता है वो दिखाई नहीं देता. मिला आपको समांगी? हाँ जी ले लो यार, कब तक मांगोगे बुक? हाँ समांगी और तुमने हमारी बुक मांगी भाई. तो आगे बढ़ते हैं. हाँ देखो बेटा अगला है सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है. सुनो पहला दूसरा पार्ट क्या था सॉल्यूशन का, क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं. द साइज ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटे देख नहीं पाओगे आंखों से. लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, उनका जो इतना छोटे अगर उनका डायमीटर भी निकाला जाए तो 1 नैनोमीटर हो गया है ना, एक 10^9 मीटर. एक नैनोमीटर क्या होता है 10^9 नेगेटिव. तो 1 मीटर में कितने नैनोमीटर हो गए, 10^-9 1 मीटर में कितने नैनोमीटर, 10^9 उसका उल्टा हो गया, उल्टा हो गया इधर ऊपर इधर नीचे मेन ले वहाँ डिवाइड है मल्टीप्लाई ऐसा नो. अगर मैं पूछूँ एक मीटर में कितने नैनोमीटर, पावर 9 और एक नैनोमीटर कितने मीटर अपॉन पावर 9, पावर की माइनस 9 नहीं समझे, नहीं आई याद है ट्रिक सिखाई थी हैं, मिली सेंटी डेसिमीटर डेगा एक किलोमीटर नीचे ऊपर करते हैं ना, जैसे छोटे को ऊपर जाते हैं बड़े को ऊपर जा, बड़े को मल्टीप्लाई छोटे को डिवाइड इस तरह से करते हैं. हाँ जी
वो है ना आजकल इंग्लिश हो गया, बहुत गंदा मौसम चल रहा है, बीमारियों का मौसम है। द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विद विद अ माइक्रोस्कोप, और इसके पार्टिकल को आपको माइक्रोस्कोप से यानी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से नहीं देख पाएंगे, सुनो माइक्रोस्कोप। अगला है द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर सो द सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन, यानी अगर उसके अंदर आपने चीनी घोल दी और आपने कहा चीनी ज्यादा घुल गई, चीनी थोड़ी निकाल लेते हैं पानी में से, और आपने छन्नी लगा दी तो चीनी नहीं आएगी, समझ आ गया, वो घुल गई। द सॉल्यूशन आर वेरी स्टेबल, और स्टेबल होता है रखने पर भी बैठेगा नहीं, यानी चीनी घुलने के बाद थोड़ी देर के बाद आप देखो पानी ऊपर चीनी नीचे ऐसा नहीं होगा, चीनी घुल चुकी है, कोल्डिंग वैसे तो होता है, कोल्डिंग की बोतल रखी जाती है तो नहीं चीनी नीचे बढ़ जाएगी, है ना, वोलेटाइल सॉल्यूशन होते हैं। आगे बढ़ते थे, पार्टिकल सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग, अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट, हाँ ये बड़ी बात है, लाइट को स्कैटर नहीं करता, मान लो जैसे मैंने इसका मतलब क्या था, एक बड़ा आया अच्छा सॉल्यूशन जो है बढ़िया वाला, वो क्या नहीं करेगा लाइट को स्कैटर नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हुआ उसके आसान नहीं होगा, जब पूरी ना एक कहावत थी नीम हकीम खतरा जान, है ना, मेरे सन्न से पूछा कि इसका मतलब क्या हुआ, नीम हकीम खतरा जान, छोटा था ना एक मुहावरा है, नीम हकीम खतरा जान, है ना, तो मैंने उन्हें सबको बताया नीम हकीम, हकीम है नीम के बीच पेड़ के नीचे बैठा है जान खतरा तो मैंने कहा था हकीम जो है वो नीम के बोले डॉक्टर नीम के पेड़ के नीचे बैठा है, हकीम का मतलब होता है डॉक्टर, उर्दू में डॉक्टर को कहते हैं, खतरा है जान जाऊँ खतरा पेड़ के नीचे तो कहते ये नहीं होता नारा एक, इसका मतलब होता है आर लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, हाफ जानकारी हंतक खतरनाक होती है, सुनो तो जान इसलिए तुम्हारी जान खतरा है, समझे जान तुम्हारी या नाइन्थ क्लास इसलिए जान खतरा। तो देखो यहाँ पे हो गया, मान लो ये एक कुछ है और इसके अंदर वाटर है, ठीक है बेटा, और मान लो अगर मैं यहाँ से एक टॉर्च लाई, है ना, और टॉर्च में से क्या निकल रही है लाइट, टॉर्च में से निकल रही है लाइट। अब मान लो ये था आपका, एक काम कर दो, पानी का जो कलर है कैसा, मान लो येलो कलर का है, कैसा है येलो, इसके तो नहीं जाएगा पानी का रंग कर दो, पानी का मान लो येलो कलर है, दिखाई दे रहा है, और ये पानी है, अब जब इसमें से लाइट निकल रही है ना, और लाइट का रंग कर देता हूँ मैं मान लो लाल कलर, ठीक है लाइट कर दी मैंने, यहाँ से लाइट निकल रही थी समझो, ठीक है लेकिन यहाँ से निकली तो यहाँ पे अंदर दिखेगी नहीं, समझे, अंदर विजिबल नहीं है ये, यानी जब लाइट पास होगी तो इसके अंदर जो था पानी, पानी का रंग येलो कलर मान लो, तो अंदर रेड कलर आना चाहिए ना, ये कह रहा है यानी लाइट पास होगी बिना स्कैटरिंग, ये समझे, यानी वो सॉल्यूशन में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगी, ये सुनो बिना उसको क्या करे स्कैटर बिखेरे, है ना, बिना प्रकाश को बिखेरे, ये उस बर्तन से निकल जाएगी, ये समझे, जिस बर्तन में रखी हुई है, अब बर्तन किसको होना चाहिए कांच का, ये नहीं तुम बता लोहे की टंकी रख दो, है ना, कि सस्ता माई सब बोतल की तो अंदर ही नहीं जा रही कांच का गिलास होगा, उस कांच के गिलास के अंदर तुम्हें पानी रखना है, और पानी चेक करोगे फिर आप देखोगे लाइट जो होगी उस गिलास के अंदर नहीं होगी बाहर होगी, क्योंकि अंदर होने के लिए वो टकरा के वापस आती फैलती फैलेगी नहीं, ये कह रहा समझ में आ गया, इसे कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, इसकी एक्टिविटी आती समझ आया, समझ में आ गया, समझ आ गया, हाँ दूसरा है तो बात समझ आ गई प्रॉपर्टी में सॉल्यूशन, तो जो स्कैटर वाला वर्ड समझ में आ गया आपको। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बेटा कितने प्रकार के होते हैं, हाँ बेटा कितने,
सॉल्यूशन आपके बहुत प्रकार के होते हैं, इसमें कुछ दिए हुए हैं, ये सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड और सॉलिड मिल गया, इसमें विलयन क्या है, ठोस वाला विलयन है, सुनो जैसे आपने ठोस मिला दिया, जैसे ये मेटल मिलाया था, मेटल एलॉय, हां मिश्र धातु लाई थी, तो क्या बना, ब्रास, ब्रास किस किस से बन गया, जिंक और कॉपर से, तो ये एग्जांपल किसका है, सॉलिड सॉलिड वाला मिक्स मिश्रण यानी सॉल्यूशन है, ये सुनो, ये नहीं है सॉल्यूशन, चीनी पानी भी होगा वो आपका सॉलिड सॉलिड का भी हो सकता है ब्रास, क्योंकि इसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती, जितना भी चीनी मिला दो लेकिन लिमिट है, आपने डेड सी का नाम सुना है, यस सर, क्या होता है, आपका नंबर क्या है, फिर तुमसे बोला मैंने, जब तुम्हें ऐसे बताया, जब तुम्हें नहीं पता, तुमने फिर बोला वही वाली बात, जब नहीं पता होता तो नहीं बोलते, सुनो ना मेरा, हाँ किसी को पूरी नॉलेज है डेड सी के बारे में, डेड सी नाम क्यों रखा गया उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं होगा, सी के अंदर मछलियाँ होती है, फिर छोटी छोटी होंगी, दूसरा है क्योंकि उस पर आप चल सकते हो ओशन के ऊपर, डेड सी पे चल लोगे, क्यों भी सुनो, उसे कहते हैं हम, जब किसी सॉल्वेंट यानी किसी विलायक के अंदर जब किसी और विलेय को नहीं घोला जा सकता तो वो डेड सी बन जाता है, यानी कहने का मतलब वाटर एक सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल हिंदी में सार्वभौमिक विलायक है जल, और उस जल के अंदर आप और चीज़ नहीं घोल सकते, यानी उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्या है, सोल्यूट पार्टिकल्स है, और उसके अंदर कुछ भी चीज़ जाएगी नहीं है, यहाँ तक कि आप भी अंदर नहीं जाओगे, आप पैर रखोगे तो पैर, हाँ हल्का सा गीला तो पैर होगा, थोड़ा अंदर भी जाएगा, लेकिन हो सके आपकी गर्दन अंदर चली जाए, ऐसा नहीं होगा, ऐसे ही सी को कहते हैं डेड सी, अंटार्कटिका की तरफ होते हैं, आ गया, अब बोलो, बताता है ये बात, बता, तो तुमने ये काम बोला, तुमने क्या बोला, बताने वाले थे आपने, रोक दिया, आप उल्टी सी की बात चीज बताने वाले होते हैं, एग्जाम में भी आप उल्टी सी चीज़ें बताते रहते हैं, जो पूछा जाए वो बताओ ना, डेड सी क्यों कहते हैं उसको, आ गया, यानी एक ऐसा सी जिसके अंदर कोई जीव नहीं पाया जाता और जिसके जिसके अंदर और सॉल्यूट पार्टिकल को ऐड नहीं किया जा सकता, तो कहने का मतलब होता है सॉल्यूशन ये नहीं तुम चीनी डाले जा रहे है ना, सॉल्यूशन है भाई हम तो कैसे भी तरह का, लेकिन एक इसका एक तरीका होता है ना, हाँ उसके टेम्परेचर बढ़ाने के बका उसके सॉल्यूशन की जो मिक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, देखा चीनी मम्मी चाशनी बनाती है, पहले तो ईमानदारी चाशनी बोली जाती है, फिर गर्म की जाती है पानी को, फिर और डालते हैं चीनी, फिर गर्म करते और डालते हैं, ठंडी पानी में एक लिमिट होगी चीनी मिलेगी, फिर गुन्ना बन जाएगी, कभी घोल के देखना जाकर ठंडे पानी में गुन्ना बन जाएगी, एक किलो घोल लेना, फिर और घोलना, दो किलो पे चले जाना है ना, फिर घोलते चले जाना, उसके समय जब चार किलो पाँच किलो घोल लोगे उसका मतलब लगे नहीं घुल रही है, फिर मम्मी को बता दे नहीं घुल रही देखो, यही था एक्सपीरियंस, आगे बढ़े, हाँ जी हाँ समझ में आ गया, तो यानी हाँ, लेकिन एक ये नहीं है कि वाटर है H2 हाइड्रोजन फिक्स्ड है, ऑक्सीजन फिक्स्ड है, तो उसे कंपाउंड कहते हैं, मैं फिर बताना चाह रहा हूँ, मेरे कहने का उद्देश्य यही है बेटा, कंपाउंड जो होता है वो इसका फिक्स्ड रेशियो है, हाइड्रोजन चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, सॉल्यूशन में फिक्स्ड रेशियो नहीं है, आप ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे हमने बोला था अभी कॉपर के बारे में, और ब्रास जो बनाया है आपका कॉपर और जिंक से बनाया है, तो उनके बीच में कंसंट्रेशन है वो ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर भी बन जाएगी, लेकिन अगर कंपाउंड की बात करते तो उसमें फिक्स्ड है और सॉल्यूशन में फिक्स्ड नहीं है, सॉल्यूशन में क्या है, वेरी करता है, यानी उसका जो मिक्सचर है वो क्या हो सकता है, जो आप उसमें बना रहे हो पार्टिकल वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन कंपाउंड में फिक्स रहेगी, जैसे ऑक्सीजन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एक ऑक्सीजन दो, यानी कार्बन 12 और ऑक्सीजन 32, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इसका एटमिक मास है, कैसा नो, तो कहने का मतलब यहाँ तक आपको होता है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, अब सॉलिड का लिक्विड जैसे अभी बताया मैंने आपको, आपने क्या क्या बनाया, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन है ना, मिल गया हिंदी में, शुगर चीनी नहीं मिला, हाँ हाँ बेटा मिला, अंडरलाइन मारो तेरे, मिल गया तीन लाइन, अगला है सॉल्यूशन और लिक्विड, लेकिन हिंदी में द्रव का द्रव का द्रव का द्रव में मिल गया, पानी पानी में है ना, जैसे आपने वो डाल दिया नींबू डाल दिया, नींबू पानी और पानी पानी है ना, विनेगर इधर सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड, कौन सा, एथेनोइक है ना, इसका आखिर में क्या था, COOH, चलो बात पढ़ाएंगे अभी, हाँ इट इज़ द मतलब होता है, हाँ विनेगर इज द सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड, इट इज द लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या होता है, लिक्विड लिक्विड, यानी लिक्विड में लिक्विड, मिल गया, अ सॉल्यूशन इज ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, अब होता है एक सॉल्यूशन ऐसा भी होता है आपका लिक्विड में गैस मिला देते हैं, जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर गैसेज होती है, जैसे पीते चट टच करती है जवान पर, यह गैस खुलती है, ढक्कन खुलता है, बस गैस निकलती है ना, तो सारा गैस का प्रेशर है, फिर गैस डाली जाती है बंद करके,
सोडा वाटर इज द सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आगे ना क्या होता है अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर फिर भी आप लोग किए जा रहे हो है ना लगे रहो बेटा समझ में आ रहा है ये पी रहे हो आप मजा आ रहा है समझ गया इट इज अ गैस इन अ लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन गैस है और आपके बॉडी के लिए कोई भी बाहर की गैस खानी है समझे आपको क्योंकि हमारे अंदर ही इतनी गैस है ना बाहर की ओर ले रहे है ना आ गया तो ये खतरनाक है इससे बचें आप मिल गया सॉल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ गैस 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 का सॉल्यूशन बताया तो सबको जानते हैं ये तो अक्सर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं उस पर है ना जैसे एयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ गैस लाइक ऑक्सीजन आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एटसेट्रा इन नाइट्रोजन गैस है ना जिसमें नाइट्रोजन जैसा अगर हम बात करते हैं एयर की एयर में सॉल्वेंट क्या हो गया सबसे मेजर क्वांटिटी किसकी है नाइट्रोजन तो सॉल्वेंट नाइट्रोजन हो गया और बाकी अदर गैसेस क्या हो गई सॉल्यूट समझ आ रहा है सॉल्यूट का मतलब ये नहीं है कि चीनी नमक ही है कम वाला लिटिल क्वांटिटी इज कॉल्ड द सॉल्यूट एंड मेजर क्वांटिटी इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सॉल्वेंट यानी किसी भी पदार्थ में उपस्थित कम मात्रा विलेय कहलाती है और अधिक मात्रा विलायक कहलाती है समझे और दोनों को मिलाकर विलयन प्राप्त होता है ये सुनो ये हो गया अब बात करते हैं सस्पेंशन ये सुनो अगला है सस्पेंशन हिंदी में है निलंबन है ना क्या कहेंगे इसको हम निलंबन है ना क्या होता है निलंबन अच्छा निलंबन के बड़े होते हैं भाई है ना ये आप घोलोगे जैसे आपने पानी चीनी पानी और वो खड़िया चौक चौक नहीं होती आपकी उसकी हिंदी में होता खड़िया कहते हैं है ना सिल खड़ी उसका हिंदी में जो चाड़े हुए सिल खड़ी खड़ी खड़िया है ना आगे बढ़ते हैं बेटा द सब्सटेंस व्हिच आर इन सॉलिड वाटर फॉर्म सस्पेंशन वो चीज जो पानी में घुलती नहीं है सस्पेंशन कहलाती है सस्पेंशन के लिए रखा हुआ है आपका इंपॉर्टेंट है 99.9% आपका एग्जाम में आ रहा है ठीक है बेटा इसलिए जो बोलते जाओ याद करते जाओ ठीक है सस्पेंशन हंसती है और मेरी बात को 5 बार क्यों बोलती है बेटा आपके लिए वार्निंग है बेटा ठीक है निलंबन की बात कर रहे हैं आप यहाँ पे मजाक नहीं चल रहा जो आप ज़्यादा मजे ले रहे हैं समझे आप खामोश बैठे निलंबन आ गया ऐसे लिखा है बेटा हैं ऐसी है क्या माँ भी है माँ आधा माँ तो मैं अंगी बिंदी लगा दी बात तो हुई है निलंबन ये बिंदी है चलो निलंबन आ गया वैसे माँ को उनकी बिंदी भी बोलते हैं बताया नहीं पढ़ा आपने तो बाकी चलो कोई बात नहीं क्या बात है हाँ जी तो निलंबन से मैं आ गया दो सब्सटेंस व्हिच आर इनसॉल्वेंट वाटर फॉर्म सस्पेंशन जैसे डबल आई इज इक्वल टू ई एक ई लगाओ दो आई लगाओ उसका मतलब एक ही होता है पता है ना इंग्लिश में डबल आई है ना पता है ना ये बता तो दो सब्सटेंस व्हिच आर जैसे जेड और एस है ना कई बार देखोगे जेड और एस दोनों लगाए उसके आखिरी में वर्ड के देखा है ना आते हैं चलो दो सब्सटेंस व्हिच आर इनसॉल्वेंट वाटर फॉर्म सस्पेंशन हिंदी में वो पदार्थ जो जल में अघुलनशील होते हैं निलंबन कहलाते हैं ये लिखा है ना ये अघुलनशील वर्ड आया वो पक्का ये आया ना लिख रहा है हाँ जी आगे बढ़ते हैं आज सस्पेंशन से हेट्रोजीनियस अच्छा सर सॉल्यूशन कौन सा एक नंबर का आता है सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस यहाँ यार रखना बेटा एक नंबर की बात पूछता है सस्पेंशन कौन सा है अच्छे आपका हेट्रोजीनियस मिल गया जैसे आपका बोलो 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 चौक वाला है ना खड़िया क्या लिखा खड़िया लगी है क्या लिखा चौक लगी नीचे एग्जांपल नीचे नीचे चौक वाटर मिक्सचर किसी लाइफ चाक ही लिखा अच्छा हाँ मिला चौक वाटर मिक्सचर मडी वाटर अच्छा मडी नहीं होता मट्टी वाला पानी जो तुम लोग उससे निकलता है तुम्हारे बर्मे से बोरिंग से निकलता ना बोरिंग से मट्टी नीचे बढ़ जाती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये दूध नहीं है बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है क्या होता है होता क्या है हाइड्रोक्साइड इन वाटर में पानी में हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है OH क्या होता है OH कहते हैं हाइड्रोक्साइड है ना हाइड्रोक्साइड जो लिखवाते जा रहा हूँ याद करते हैं पूछूंगा मैं
इसकी वैलेंसी इसकी ये एनायन होता है, इसमें नेगेटिव का साइन आता है, यानी वन वैलेंस वन इसका वो होता है, वन इसका आपका एनायन होता है, ठीक है, वैलेंसी होती है और नेगेटिव होती है, क्योंकि ये लेता है पढ़ाऊंगा इसमें ये बात छोड़ दो उसको जो मैंने बोला, ये मान लो ये OH माइनस का साइन है, ठीक है, बस OH बोल OH याद है, हाइड्रोक्साइड OH होता है, O के साथ H दोनों कैपिटल लेटर है, इसकी स्मॉल लेटर नहीं है, दोनों कैपिटल लेटर में, यानी पूरे पूरे कैपिटल दो लेटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सैंड पार्टिकल्स में आ रहा है धूल वाले पार्टिकल है ना, इन वाटर फ्लोर इन वाटर, अच्छा पानी में आटा आटा चीनी घोला दिखाया थे जब तक गिला रहे थे, छोड़ा तो नीचे बैठ गया, दिखाई दे रहा है तीसरे में बैठ गया नीचे, ये एक्सपेरिमेंट है, ये तो आपने करे है, चौक पावर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, चौक फॉर्म अ सस्पेंशन विच सेटल्ड टू द बॉटम आफ्टर सम टाइम, यानी बैठ जाएगा कुछ देर के बाद अगर उसे हिलाना बंद कर देंगे, सुनो ये हो गया प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन, तो सस्पेंशन के गुण गर्दन पे जाते हैं बेटा, जल्दी से देखो ये कंप्लीट करना है हमें, ठीक है, सस्पेंशन इज हेटेरोजीनियस, हिंदी में लिखो निलंबन, क्या है प्रॉपर्टी याद कर लेना, क्या है विस्मांगी होता है, दूसरा द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल सस्पेंशन इज क्वाइट लार्ज, यानी इसके जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, सही आ रहा है, किससे बड़े होते हैं, सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़े होते हैं, सॉल्यूशन के छोटे होते इसके बड़े, उसके कितने थे 10 की पावर माइनस 9 नैनोमीटर, यार ये कितना है 100 नैनोमीटर, तो बड़े है ना वो, तो माइनस में भाई साहब, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन इजीली, मिल गया सस्पेंशन के पार्टिकल को आप आसानी से देख सकते हो, खड़िया चौक दिखती है ना पानी में, चीनी जरूर दिखती है ना, मिक्स हो जाता, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, चीनी निकल गई बोलने के बाद, लेकिन इसके नहीं निकलेंगी, यानी अगर आपने चौक मिला दी और छान ली तो निकलेगी, जैसे आप जब पकौड़े तलते हो तो उसके बाद मम्मी उस तेल को छान लेती है, तो जितने भी काला काला जो रह गया था छोटा छोटा पकौड़ा जल गया जो वो निकल जाता है, सुनो वो फेंक देती मम्मी, है ना, हाँ जी, सो आ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन, मिल गया, यानी फिल्टर से सस्पेंशन फिल्टर काम आ जाएगा, सस्पेंशन सॉल्यूशन में फिल्टर काम नहीं आएगा, समझ में आ गया, फिल्टर एक पेपर आता है तेल को छानने के लिए, है फिल्टर, फिल्टर पेपर होता है तुम्हारे घर में आया, वो सर सर एक पेपर आता है बहुत फिल्टर पेपर, वो जब तेल में आता है इतना मोटा हो जाता है, वो कागज जैसा होता है पहले, और जैसे ही तेल के कॉन्टैक्ट में आता है इतना मोटा हो जाता है, वही तो बना कुछ होता है वो तेल, कुछ बनता है किसी चीज़ से, है ना, अच्छा द सस्पेंशन आर अनस्टेबल, सस्पेंशन क्या होता है अनस्टेबल, यानी बन जा रहा है, द पार्ट ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, यानी नीचे बढ़ जाएंगे, ये सुनो सस्पेंशन हो गया सॉल्यूशन, सस्पेंशन अब बात करते हैं कोलाइड, कोलाइड इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विद द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोस इन द ट्रू सॉल्यूशन एंड दोस इन सस्पेंशन, यानी सस्पेंशन से छोटे एक पार्टिकल सॉल्यूशन से बड़े हैं, समझे, मीडियम बीच के, मान लो अगर सस्पेंशन इधर है सॉल्यूशन इधर है बीच में आ गया कोलाइड, यानी पार्टिकल इसके छोटे, मान लो अगर मैं बना देता हूं तीन पार्टिकल बनाता हूं सॉल्यूशन से बड़े, ये वाला मान लो सस्पेंशन का पहले पहले हमने सॉल्यूशन पढ़ा था ना, तो ये आपका सॉल्यूशन का हो गया, ये वाला कोलाइड का, ये वाला सस्पेंशन आ गया, तो ये सॉल्यूशन दिखाई दे रहा पार्टिकल छोटा फिर बड़ा फिर हाँ, तो ये आपका एस सॉल्यूशन सी कोलोइड और एस यू सस्पेंशन, मिल गया ऐसी बता दिया, ठीक है हिंदी में क्या लिखोगे, हिंदी में सॉल्यूशन मतलब विलयन कोलोइड और
निलंबन आ गया। yes, सबसे छोटा उससे बड़ा और उससे बड़ा। हम लोग क्या पढ़ते हैं? कोलोइड। नहीं पढ़ते कोलोइड मतलब बीच जो जिनके पार्टिकल बड़े होते हैं। अभी बताऊंगा कि सस्पेंशन और इसकी एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा कोलोइड का सस्पेंशन का, ठीक है। अब कोलोइड इज अ सॉल्यूशन इन व्हिच द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज इन ट्रू सॉल्यूशन एंड दोज इन सस्पेंशन। हिंदी में ला हां बेटा थोड़ी इसको भी दिखा दे पर्दा उधर है मिल गया। हां क्या हिंदी में क्या लिखा? यानी जो आकार होता है कोलोइड के कणों का वो निलंबन से छोटा और विलयन से बड़ा होता है। ये लिखा है? चलो इसमें एग्जांपल लिखो। यहाँ पर सम ऑफ द एग्जांपल क्या है इसका? बोलो ना। दूध दूध वाला ब्लड। हाँ इसमें आपका साबुन हो गया सोप नहाते हो नहीं हो इसका सॉल्यूशन हो गया मिल्क हो गया आपका दूध इनको ब्लड जेली हो गया सॉल्यूशन ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट हो गए आपके जो जो डिटर्जेंट नहीं होते जो बर्तन धोने वाला साबुन। अच्छा सोप आप लोग गलत बोलते हैं 10th क्लास में क्वेश्चन आएगा सोप एंड डिटर्जेंट में डिफरेंस होना है। सोप या सोप 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 तो सोप और सही बोल रहा हूँ ना सोप सोप और डिटर्जेंट में अंतर बताएं तो सोप जो है अच्छा सोप जो होता है वो बनता है आपका वेजिटेबल से और बनता है फैट से। जो हम नहाते हो साबुन वो वेजिटेबल से बनता है और वेजिटेबल ऑयल और डिटर्जेंट और वो बनता है और फैट फैट में चर्बी अर्बी मीट की चर्बी उससे बनता है जो आप नहाते हो साबुन से उसमें झाग नहीं होता। और जो आपका डिटर्जेंट होता है इसे आप आजकल जाते दुकान में साबुन दे दो साबुन की सॉप की हिंदी साबुन है सोप की हिंदी साबुन और जो बना किससे आपका वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल मतलब साग सब्जी का तेल है ना और फैट। आप चिकन खाते हो चिकन मटन है ना उसका बड़ा वाला उसकी चर्बी होती चर्बी उस चर्बी से बनाया जाता है सुनो हाँ हाँ जी। लेकिन आपका जो क्या बोला डिटर्जेंट है वो पूरा केमिकल है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो अभी सिलेबस में नहीं वैसे बता रहा था मैं। तो वो केमिकल्स होते हैं जो आपके साबुन को जो आप बर्त कपड़े धोते हो अगर आप नहाने वाले साबुन से कपड़े धोके कपड़े साफ नहीं होंगे क्योंकि उसमें केमिकल्स होता है वो बॉन्ड कर लेते हैं मैल के साथ मिट्टी के साथ चिपक जाते हैं है ना। और आपने अगर उससे नहा लिया तो आपकी हो सकता है स्किन बॉन्ड हो जाए नहाने के बाद बिल्कुल लाल लाल हो जाओ हाँ इसलिए उससे नहीं आएंगे। ठीक है आगे बढ़े समझे। आप टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स। हाँ अब हमें कोलोइड की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना। हाँ बेटा क्या हुआ बहन आ जाएगी घर में बैठो जा वेट करो जाओ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड मिल गया। अब इसकी प्रॉपर्टी आते हैं यहाँ पे आ जाओ इसको थोड़ा बाद में बताता हूँ अरे पहले प्रॉपर्टी देखो कोलोइड की फिर मैं एक्सपेरिमेंट बताऊँगा। ये पाँच चारों पाँचों छः कितनी हैं छः हैं पाँच आज कल मैंने मैं समझा देता हूँ पाँच छः क्योंकि जो आपको पाँच अच्छी लगे आज कल जैसे पहली क्या है मम्मी आ गई अभी जब बुला दो मौसम खराब होता है पूरी साधन में हो रहे हैं मम्मी लाइक मम्मी को कितना ख्याल रखती है तुम जैसे आप लोग मिर्च खाते हो आजकल लाल मिर्च पत्थर मिलाते लाल वाला लाल भी ईट होती है और जो धनिया होता है धनिया पाउडर उसमें गोबर मिलाते गोबर नहीं पता आप हम बताते सुन चलो ये नहीं पता आपको सुन लो
जो आपके धनिया होता धनिया इसलिए कहते हैं जो बाहर से धनिया नहीं होता छोले बोले लेते हैं तो सारा खुला हुआ था उसमें सारा सामान मेरा ने सही मजाक से ठीक करके बेटा बहुत मिलावट है नहीं तुम्हें सस्ता का एक मिनट बताओ सस्ता कैसे दे देगा मार्केट रेट सुनो उसकी जो चीज चीज की मार्केटिंग कॉस्ट कितनी है किसी दुकानदार के पास है ना जो जेनुइन माल देता है वो कहेगा भाई मार्केट कॉस्ट इतनी हम नीचे कैसे देते हैं इसकी कॉस्ट इतनी आगे पीछे हां जी मैम आ रहा है वेट कर लो हाँ मार्केट कॉस्ट जिस चीज़ की इतनी है वो सस्ते में कैसे दे रहा दो ही तरीके हो सकते हैं या तो वो अपने घर से पैसे लगाता है उसमें और आप लोगों को फ्री में दे रहा है ये तो कर सकता है और दूसरा तरीका ये है कि हो सकता है हाँ कि आप उसे अच्छे लग रहे हो कि भाई ले लो फ्री में और तीसरा कार्ड तो नहीं सकता और तीसरा कार्ड क्या आया तो उसमें फिर मिलावट करिए आपको प्योर सामान नहीं देगा हाँ जी दूध वाले आते हैं दूध लेकर देते हैं आप 100 रुपए देते हैं दूध की जब सौ मदर डेयरी वाला कितना दे रहा 26 रुपए किलो 1 लीटर 60 है और जो घर पे दूध देके आता है वो देता है 40 80 रुपए लीटर दे रहा सोचो ना मेरी बात और मदर डेयरी वाले ने साफ लिखा है उसके अंदर की प्योर नहीं है अगर मदर डेयरी की आप फेरी पड़ोगे उसने कहा फुल क्रीम लेकिन प्योर नहीं है बाहर जो बैठ रहा है उसमें किस पर साइकिल पे लेके जा रहा वो कौन सा टेस्ट कराएगा वो तो घर पे टेस्ट करेगा जाकर सारे है ना तो उसको बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ मतलब इन लोगों से मैं ये सब ये कह रहा हूँ कि भाई देख लो है ना कि अगर सस्ता कोई दे रहा है आपको तो वो आपको आप पे एहसान नहीं कर रहा वो है ना हाँ वो आपको उसका नुकसान करने वाला है भाई तो कहूँ मसाले से मत खाना बात है आप लाल मिर्च जो खा रहे हो प्लीज मत खाना है ना घर पे खाओ पता लगा घर में समझे पेट में ईटे हो गई अंदर महल बना दो तो और जो धनिया भी मत खाओ प्लीज धनिया बाहर का जो पिसाओ जो धनिया नहीं आता वो हाँ सबसे बेस्ट होता है धनिया खड़ा लो पिसवाओ और लाल मिर्च खड़ी लो पिसवा लो आके चक्की हूँ 3-10 मिनट लगते जाने में पीस के दे देगा ऐसा ना आगे बढ़े या तो ब्रांडेड लो जो आजकल कंपनी है बड़ी बड़ी उनके तो बारह टेस्टिंग होते हैं वो बेच नहीं सकते गलत थोड़ा महंगा आएगा लेकिन उसके पार्टिकल बड़े होते हैं हमने देखा कितने बड़े होते हैं पता लग गया उसके लगता है होमोजीनियस लेकिन जेन्युइन वो हेटेरोजीनियस होता है द पार्टिकल मोस्ट कोलाइड कैन नॉट बी सीन इवन विद द माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते उसके पार्टिकल द पार्टिकल ऑफ अ कोलाइड कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर सो फिल्टर पेपर से आप इसे छान नहीं सकते मलाई आ जाएगी लेकिन जो गर्म करोगे तब लेकिन वैसे नहीं आएगी है ना सो अ कोलाइड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन यानी छन्नी से आप उसमें से दूध अलग पानी अलग नहीं कर सकते सुनो द कोलाइड आर क्वाइट स्टेबल अच्छा ये भी स्टेबल होता है दूध ही रहता है काफ़ी देर रखा रहे द पार्टिकल कोलाइड डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग हाँ लेकिन दूध में आप नोट करना पानी थोड़ा सा ऊपर आ जाता है ये सुनो अगर आप पानी देखोगे वाटर देखोगे तो कुछ पानी की जो बूंद पानी है वो ऊपर आ जाता है लेकिन वो पानी नहीं होता वो होता है आपका मिल्क दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है मैं फिर बता रहा हूँ एक होता है वे और होता है कैसीन मिल्क के दो पार्ट होते हैं वे और कैसीन अब मैं बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ समझ लेना जैसे जैसे दूध फट जाता है फटने के बाद देखो एक सॉलिड पार्ट का पार्ट होता है एक पानी पानी होता है मान लो ऐसे जो सॉलिड पार्ट है वो कैसीन है और जो लिक्विड पार्ट है वो है वे तो देखा होगा प्रोटीन दो तरह के आते हैं मार्केट में वे और कैसीन वाले कैसीन वाले होते हैं हेलो हाँ समझ आ गया तो ऐसे वे दूध जो आपको जो दूध के ऊपर लिखता है वो पानी नहीं होता वो होता है वे देखो ऐसे ना पानी पानी है ऊपर वो वे होता है बहुत डाइजेस्टेड होता है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है जो सॉलिड पार्टिकल पार्ट होता है वो जल्दी डाइजेस्ट होता है आगे बढ़े आगे बढ़े टू डिस्टिंग अ कोलोइड फ्रॉम सॉल्यूशन अब बात करते हैं अच्छा अब एक रह गया सस्पेंशन और कोलोइड में डिफरेंस बता देते हैं चलो आप लोग बच गए मेरे डायग्राम से इसमें बनी हुई है समझे हम लोग किस्मत अच्छी है ठीक है अच्छा तो बेटा ऊपर देख रखते हो आप हाँ जी हाँ ऊपर वाला देखो ऊपर क्या है आपका हाँ कोई नहीं
ऊपर जो है आपका ये वाला दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला जो बीच में नहीं दिखाई दे रहा, ये कॉलोइड है, दिखाई दे रहा है? और नीचे देखो, नीचे दिखाई दे रही है सस्पेंशन है। तो सस्पेंशन के जब गुजर रहे हैं ना, ये ऊपर वाला सॉल्यूशन, सॉरी निकल तो रहा है, ऊपर वाला सॉल्यूशन सस्पेंड नहीं हो रहा। हाँ, अगर आप ऊपर वाला देखोगे, ऊपर सॉल्यूशन है बेटा, दिखाई दे रहा है? हिंदी में बिलियन कैसे क्या कहेंगे हम, सॉल्यूशन, ऊपर सॉल्यूशन है और नीचे वाला है कोलोइड। अब एक तीसरा बनाएंगे, नहीं इसमें नहीं है वो। देखो जिसमें नीचे नहीं दिख रहा, बीच वाले देखो, पहले वाले में दिख नहीं रहा, यानी लाइट गुजर गई, बीच में नहीं दिख रही, मैंने पहले बनाई थी ना वो रेड कलर की, निकल रही थी यार जो बीच में नहीं दिखी। अच्छा, इसमें आपको दिख रही है लेकिन गुजर रही है, लेकिन यानी इसके पार्टिकल बड़े हैं, टकरा रहे हैं, यानी वो जब गुजर रही है तो उसके पार्टिकल क्या कर रहे हैं, दो मिनट का सर, बट टकरा अंदर बैठ जाओ, वो टकरा रहे हैं, इसका मतलब ये सुनो, तो वो दिख रही है। और तीसरा मान लो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, हाँ जी ठीक है, तो ये है, ठीक है, और यहाँ से इन्होंने एक टॉर्च लगा दी, ठीक है, और अब क्या कर रहे हैं, इसमें से क्या निकालनी है बेटा, देखो लाइट निकल रही वाली, अब पता है कि लाइट गुजर निकल नहीं पाएगी, बार इधर दिखाई देगी पर इधर से पास नहीं हो रही, इस रेड वाली यानी इधर से पास होनी चाहिए थी ना, क्यों नहीं पास हो रही, क्योंकि ये क्या है बेटा, ये जो एग्जांपल है वो है सस्पेंशन का, समझे, हिंदी में निलंबन का उदाहरण समझ आ रहा है, किसका एग्जांपल है बेटा, एक यानी सस्पेंशन कहता है किसके, क्योंकि इसके पार्टिकल के, हाँ रुक जाओ दो मिनट, ये किसका बेटे जा तू जा, हाँ ये किसका एग्जांपल है, निलंबन का है, सस्पेंशन का है, क्योंकि इसके पार्टिकल बड़े बड़े हैं और वो लाइट को जाने नहीं दे रहे, समझे, कांच, ये कांच है, ये गिलास है, ठीक है, कांच का गिलास है, कांच गिलास, ठीक है, गिलास है, और इसमें से लाइट अंदर तो जाएगी लेकिन बाहर नहीं जाएगी, पूछो क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल बड़े हैं बेटा, इसके कण क्या है, बड़े हैं, और जो इसको लाइट को जाने से रोक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, इसको जाने से रोक रहे हैं, इसी कारण ये आपका क्या कहलाएगा, बोलो ना, ऐसी रही। तो तीन केस आ गए, सॉल्यूशन, हाँ रुक जाओ एक मिनट, तो अभी कभी कंप्लीट नहीं हो रखो, तो तीन एग्जाम्पल हो गए आपका क्या, सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन, फिर हिंदी में विलयन, निलंबन और कोलाइड, सबसे छोटे पार्टिकल किसके कण, सॉल्यूशन के यानी विलयन के, उससे बड़े कोलाइड के, क्या, और तीसरे नंबर के सस्पेंशन के, लाइट किससे पास होके गुजर जाएगी, सॉल्यूशन से, हिंदी में विलयन से और कोलाइड से, किससे नहीं गुजरेगी, सस्पेंशन से, किससे गुजरेगी, बिना अंदर विजिबल हुए, सॉल्यूशन में, विलयन में बिना अंदर दिखे, देखो बिना अंदर दिखे गुजर रही है वाली, देखो यहाँ से लाइट जा रही थी, यहाँ पे अंदर दिखी गई, यहाँ पे नहीं दिखी ना, फिर यहाँ दिख गई है ना, हाँ लेकिन इसमें अंदर भी दिख रही, बाहर से दिख रही, यानी ये क्या है आपका कोलोइड है, हिंदी में क्या है, कोलोइड, अच्छा एक में तो जा दिख रही लेकिन जा नहीं रही, तो ये क्या आपका सस्पेंशन, ये आपका कंप्लीट होता है, एक मिनट देखो नीचे क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइड बता दी मैंने, सस्पेंशन, कोलोइड, अब कोलोइड के कुछ सोल हैं, एरोसोल रह गया, क्या क्या रह गया इसमें, कंसेंट कल क्या है, अच्छा कल है ना, कल को नहीं कर दूँ फॉर्मूले, अब इसके फॉर्मूले रह गए, बाकी जो पढ़ाया बजा करके आया आपने, ठीक है।